नमस्कार नमस्कार। झांसी में बुंदेलखंड का एक नया न्यूज चैनल शुरू होने जा रहा है, बीके न्यूज। बीके न्यूज के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से, यानी भाभी जी घर पर रह के तिवारी जी की तरफ से अनेकों अनेकों शुभकामनाएं, नमस्कार। मऊरानीपुर डाक बंगले के पास झलकारी बाई प्रतिमा के नीचे बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर देश में हो रहे राष्ट्रवादी लोगों पर हो रहे हमलों की निंदा करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में जेएनयू और डीयू में देश विरोधी हमलों पर चिंता जाहिर की गई है। केरल में लगातार हो रहे हिंदू संगठनों पर हमले और देश की राजधानी में देश विरोधी नारों से रुष्ट संगठन कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है जो लगातार देश विरोधी अभियान को हवा देने में लगी हुई है। हाल ही में डीयू और पूर्व वर्ष जेएनयू में लगे देश विरोधी नारे भी उसी का एक हिस्सा है। धरना प्रदर्शन के संबंध में क्या कह रहे हैं आपका? आज केरल में जो हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों के कार्यकर्ता है उनके ऊपर वहाँ की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपने मार्क्सवादी गुंडों के द्वारा हमले करवा रही है और उनकी निर्मम हत्या की जा रही है। एक दो नहीं, जब से उनकी सरकार बनी है तब से निरंतर रूप से वहाँ हत्याएं की जा रही हैं और ये देश विरोधी कार्य में लिप्त हैं। जेएनयू में, डीयू में ये अपने एजेंटों के द्वारा वहाँ की युवा पीढ़ी को गुमराह करते हैं और उनको देश के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त करना चाहते हैं, ये भारत के टुकड़े करवाना। केरल में लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमले की निंदा करते हुए बताया गया है कि केरल में अभी तक लगभग 500 हिंसक हमले हुए हैं, जिसमें 270 हमले सिर्फ कन्नूर में हुए हैं जो प्रदेश की सीएम का क्षेत्र है, जिसमें यहां लगभग 70 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। संबंध में हमारा इस संबंध में ये कहना है, जो केरल में हिंदूवादी लोगों की एक व्यवस्था के तहत मार्क्सवादियों के द्वारा हत्याएं की जा रही हैं, उनके विरोध में संघ के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में आंदोलन किया है। हम लोगों का कहना है अगर इन हत्याओं से वो बाज नहीं आते तो हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और उनकी सरकार को उखाड़ फेंटने का। इसी पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति महोदय से केरल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? धरना प्रदर्शन केरल में कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई, इसके विरोध में ये आंदोलन जगह जगह पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बीके न्यूज के लिए मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।